एक गरीब आदमी नाम रामू अपने शहर में रहता था। वह बहुत ही आलसी और चालाक था। रामू की छोटी छत पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। रामू को चिड़िया का घोंसला देखकर बहुत पसंद आया और उसने उसे नीचे लाने का सोचा। रामू ने एक बड़ा पेड़ ढूंढा जिस पर चिड़िया का घोंसला था। उसने पेड़ पर चढ़कर घोंसला उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना उन्नत और भारी था कि उसे नहीं उठा सका। रामू बहुत ही परेशान हो गया। फिर उसने एक पौधे की ओर देखा जिस पर एक लाल बिंदी थी। उसने लाल बिंदी को देखते ही सोचा, अगर ये लाल बिंदी इतनी शक्तिशाली है तो शायद मेरी मदद कर सकती है। रामू ने लाल बिंदी से बात की, हे लाल बिंदी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लाल बिंदी ने हंसते हुए कहा, रामू, मैं तो सिर्फ एक बिंदी हूँ, मैं कोई जादू नहीं कर सकती। रामू ने कहा, तुम छोटी सी हो लेकिन तुम्हारी तो कामयाबी है। तुम चिड़िया के घोंसले की तरह मेरे पेड़ के ऊपर चढ़कर मेरी मदद करोगी। लाल बिंदी ने रामू को समझाया, रामू, मेरी यह क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों हाथ है ना। तुम अपनी खुद की मेहनत करके घोंसले को ऊपर ले जा सकते हो। रामू को लाल बिंदी के बातों पर विश्वास हुआ और उसने खुशी खुशी मेहनत की। उसने बांधे हुए फारसे का उपयोग करके घोंसले को धीरे धीरे ऊपर खींचा। रामू की मेहनत और संघर्ष के बाद उसे खुद ही समझ में आया कि उसकी मदद करने के लिए बस अपने हाथों की जरूरत थी। जब रामू ने चिड़िया का घोंसला नीचे ले आया तो उसे एक बड़ी हंसी आई। चिड़िया ने खुद ही रामू को देखते हुए कहा, रामू, तुम तो बहुत ही चालाक और मेहनती निकले। तुमने अपनी खुद की मजबूती को पहचाना और इसे काम में लाया। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।